हमने लास्ट लेक्चर में ये टेबल ड्रा की थी। कैसे टेबल ड्रा की थी? हमने एक ब्लॉक लिया था, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया था और उस एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट देखे थे ब्लॉक के मोशन पे, कि बॉडी क्या रेस्ट कंडीशन में थी, कि रिलेटिव कंडीशन में थी, और उसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, किस नेचर का फ्रिक्शन लग रहा था, किस अमाउंट का फ्रिक्शन लग रहा था, वो हमने मतलब उसी को एनालिसिस करके हमने ये टेबल ड्रा की थी। अब हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल को प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि क्या है, आखिरी क्या सिग्निफिकेंस बताता है। ठीक है, चलिए मानिए, सपोज दैट, मान लीजिए ये एम मास का ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, और ये जो रफ सरफेस है, ये जो आपका रफ सरफेस है, मान लिया मेरा हाथ है, ये मेरा हथेली जो है ये रफ सरफेस है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट केस देख रहा हूँ कि जब क्या कहते हैं कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है और बॉडी किस कंडीशन पे रेस्ट पे है। मान लीजिए क्या कहते हैं, ये ब्लॉक है, ये क्या कहते हैं हथेली पे रखा हुआ है, ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक एम मास का ब्लॉक रखा है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है और बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, तब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितने अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वो हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए, इस समय क्या कहते हैं, एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इसे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा और इसका वेट क्या कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। सिंस नो मोशन अकर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट्स वाई नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी, है ना। और साथ ही साथ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नो रिलेटिव मोशन अकर्स, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा नाइदर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना, दैट्स वाई नो फ्रिक्शन फोर्स वुड बी एक्ट इन द बॉडी। मतलब जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब ना ही क्या कहते हैं रिलेटिव मोशन हो रहा है और ना ही टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब टू कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन अगर कर रहा हो, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। पर यहाँ पे जब बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसलिए ये जब जीरो न्यूटन, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। चलिए एक इसको दूसरी तरह समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है, नहीं सर अभी भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो चलिए मान लीजिए जम्पशन मैंने मान लिया कि बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। चलिए मान लीजिए स्टूडेंट बोला कि सर राइटवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो मैंने ये ब्लॉक उठाया और इसे देखिए अपवर्ड डायरेक्शन ब्लॉक उठाया, इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया, ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया, तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है और वेट डाउनवर्ड लग रहा है। सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई नॉर्मल रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड बाई वेट ऑफ द बॉडी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये कि बॉडी मान लिया स्टूडेंट बोला कि सर क्या कहते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर मैं राइटवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगी, मान लीजिए ये रेड कलर का मार्कर है, ये डायरेक्शन ऑफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स बता रहा है, मान लीजिए राइटवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो बॉडी में एक अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा नहीं राइटवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी किस कंडीशन पहुंच जाएगी, मोशन कंडीशन पहुंच जाएगी। किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन करेगी। इसलिए जो स्टूडेंट बोल रहा है वो क्या कहते हैं गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में है, और हम लोग अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अब्सेंस है और फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में न होकर मोशन कंडीशन में हो जा रहा है। इसलिए जो स्टूडेंट बोल रहा है कि क्या कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स लगेगा रेस्ट कंडीशन पे, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो वो बात क्या है, गलत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है, हम जानते हैं टाइम के साथ एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा सकते हैं, तो चलिए अब मैं लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का और मैं देखते हैं किस नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मैंने ये उसी बॉडी में ये माजर राइट ये क्या कहते हैं आपका ग्रीन कलर का मार्कर है, ये एक्सटर्नल फोर्स को बताता है, तो चलिए 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब मैंने 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया और मैंने देखा बॉडी के मोशन में क्या इफेक्ट आ रहा है, देखिए 1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी अभी भी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे, बॉडी अभी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बॉडी अभी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में। देखिए बॉडी कोई मोशन नहीं कर रही है, ना ही अपवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, ना लेफ्टवर्ड ना राइटवर्ड, बॉडी कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब क्या है, फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस्ड है और क्या कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन बैलेंस्ड है, मतलब बॉडी कंप्लीटली क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है।
तो चलिए मैंने 1 न्यूटन का जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया बॉडी पे राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फिक्स अगर हाँ 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो रफ सरफेस है ये फिक्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा किस डायरेक्शन लगाएगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट फ्रिक्शन फोर्स अब्सेंस होता तो क्या होता। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, यही फ्री बॉडी डायग्राम देखो ठक लाता हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये इस अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट हो गया, कोई भी मोशन अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस करेगा वेट को। तो पहले वर्टिकल मोशन के हम लोग कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, इसलिए हम लोग वर्टिकल मोशन के बारे में आगे फर्दर स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने ब्लैक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ के अनुसार जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होना चाहिए था, या टेंडेंशियल रिलेटिव मोशन होना चाहिए था, है कि नहीं। तो मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या कहते हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो बॉडी को मोशन करने कंडीशन किधर से होना चाहिए था, राइटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था, नहीं चाहिए था। चलिए जैसे 1 न्यूटन में लगाया तो बॉडी किस डायरेक्शन मोशन करते हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही कि नहीं कर रही है। पर ये बॉडी फिर भी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसके इफेक्ट का कोई ना कोई काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, है कि नहीं, तभी तो बॉडी क्या कहते रेस्ट कंडीशन पे है। अच्छा, इस 1 न्यूटन का इफेक्ट क्या था कि बॉडी जो है किस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, राइटवर्ड डायरेक्शन में, पर बॉडी 1 न्यूटन लगाने के बावजूद बॉडी किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब है न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन द बॉडी टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और वो अप्लाइड फोर्स कौन लगाएगा, वो जो इसको क्या कहते हैं काउंटर बैलेंस करेगा एक्सटर्नल फोर्स को, वो लगाएगा रफ सरफेस लगाएगा, किस पे लगाएगा, ब्लॉक पे लगाएगा, किस डायरेक्शन लगाएगा, जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। देखिए मैंने ये अप्लाइड फोर्स लगाया और जो ये जो फोर्स लगाया किसने लगाया, रफ सरफेस ने लगाया, किस पे लगाया, ब्लॉक पे लगाया, किस डायरेक्शन लगाया, ये जो ये कैप है ये डायरेक्शन बता रहा है। देखिए एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन लगा हुआ है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। मैंने अप्लाइड फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन लगाया और ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। पहली बात तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन रहेगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, कब, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी। और हम लोग जानते हैं कि व्हेन एवर वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी स्टिल इन द रेस्ट कंडीशन देन द अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स बाय द रफ सरफेस ऑन द बॉडी इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए देखिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है रफ सरफेस द्वारा बॉडी पे वो किस नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का होगा, और उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है किस लॉ के अनुसार, अच्छा न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ के अनुसार क्वेश्चन पूछे किस लॉ के अनुसार आप कह सकते हैं एक्सटर्नल बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन पे है तो एक्सटर्नल फोर्स और क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ। ये देखिए मैंने ये चीज़ लिख रखा है, ओके ठीक है ठीक। तो ये हुआ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन और ये हुआ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन, और बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, है कि नहीं। तो कितने अमाउंट का लगेगा, इक्वल अमाउंट का लगेगा, कितने अमाउंट का आपने लगाया था एक्सटर्नल फोर्स, 1 न्यूटन लगाया था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगा, 1 न्यूटन। इसीलिए देखिए 1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और उसका ही मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स को और बढ़ा रहा हूँ, अब मैं क्या लगा रहा हूँ, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स मैंने कितना कर दिया, 4 न्यूटन कर दिया। चलिए ये बॉडी है, अब मैंने अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया, 4 न्यूटन कर दिया। अभी भी देख रहा हूँ कि इसके इस फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उसका इफेक्ट देख रहा हूँ, किस पे इफेक्ट देख रहा हूँ, इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक। और देखा बॉडी अभी भी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। मतलब कि हम जब क्या कहते हैं किसी इस ब्लॉक पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है, इसका मतलब कि क्या कहते हैं अभी भी कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में क्या कहते हैं अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होगा जस्ट उसके अपोजिट लग रहा होगा। कितने अमाउंट का लग रहा होगा, एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट का लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम के अनुसार, ये आपका क्या कहते हैं ब्लॉक है, मैंने इस पर क्या कहते हैं ये आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है,
ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है 4 न्यूटन का। बॉडी किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा किस नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का होगा। कौन लगा रहा होगा, रफ सरफेस लगा रहा होगा, किस पे लगा रहा होगा, ब्लॉक पे लगा रहा होगा। कितने अमाउंट का लगा रहा होगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सिंस ये काउंटर बैलेंस कर ले रहा है इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स का। तो न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन के अनुसार इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन द बॉडी टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है, राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स आपका राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा सेम अमाउंट का। ये आपका क्या कहते हैं, ये देखिए ये 4 न्यूटन का मैंने क्या कहते हैं फोर्स लगाया राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मान लीजिए अब्सेंस होता, अब्सेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता, तो बॉडी क्या करती, मोशन करने लगती। परंतु जब मैंने 4 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब भी मैं देखा बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। तो मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितने न्यूटन का लग रहा है, 4 न्यूटन का ही लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। किस लॉ के अनुसार, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ के अनुसार। ओके ठीक है, चलिए मैं अब फोर्स को और बढ़ाता हूँ। अब मैं एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया उसको मैंने लगाया 8 न्यूटन लगाया, 8 न्यूटन लगाया। अभी मैं इफेक्ट देख रहा हूँ, इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी पे। देखा मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब एक्सटर्नल फोर्स में 8 न्यूटन किया, तो बॉडी किस कंडीशन में, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन देखा, तो ना ही क्या कहते रिलेटिव मोशन हो रहा है और ना ही टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो रहा है। बॉडी अभी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में। बॉडी अभी भी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका 8 न्यूटन का फोर्स लग गया, 8 न्यूटन का, ये मान लीजिए ग्रीन वाला मार्कर आपका 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी पे। बॉडी ना ऊपर साइड मोशन है, डाउनवर्ड मोड के, तो वो अपना कंप्लीटली बैलेंस है वर्टिकल डायरेक्शन पे। तो चलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, 8 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया बॉडी पे। बॉडी अभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रही है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा, रफ सरफेस लगा रहा होगा, ब्लॉक पे, है ना। किस डायरेक्शन लगा रहा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। कितने अमाउंट का, इक्वल अमाउंट का। तो देखिए ये 8 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये देखिए 8 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, है ना। तो ये देखिए 8 न्यूटन का जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितने न्यूटन का हुआ, 8 न्यूटन का हो गया। ये देखिए 8 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी किस कंडीशन पे, रेस्ट में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन का हो गया। देखिए जब मैंने 1 न्यूटन का लगाया, बॉडी रेस्ट कंडीशन पे थी, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आया था, 1 न्यूटन। मैंने 4 न्यूटन लगाया, बॉडी अभी भी एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन लगाया, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना आया, 4 न्यूटन आया। मैंने 8 न्यूटन का लगाया, 8 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 8 न्यूटन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कि अप्लाइड कौन कर रहा है, रफ सरफेस लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ब्लॉक पे लगा रहा है। अच्छा ये क्या, देखिए मैं तो ये इस बॉडी पे एक्सटर्नल जेंट तो केवल ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, परंतु जो ये फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, वो क्या कोई एजेंट लगा रहा है, नहीं, ये अपने आप लग जा रहा है। कौन लगा रहा है, रफ सरफेस लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, बॉडी पे लगा रहा है। इसीलिए देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है सेल्फ एक्टिवेटेड फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा था, सेल्फ एक्टिवेटेड फोर्स होता है प्रोवाइडेड बाई रफ सर्फेस ऑन द बॉडी। दूसरा पॉइंट समझिए, मैंने एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को 1 न्यूटन बराबर कर लिया। 4 न्यूटन लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप की मैग्नीट्यूड कितना, 4 न्यूटन बराबर कर लिया। मैंने 8 न्यूटन लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप की वैल्यू क्या कर लिया, 8 न्यूटन के बराबर कर लिया, है ना। फिर इस तरह मैंने 14.99 न्यूटन लगाया, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है। 14.99 न्यूटन लगाया, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है, अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहेगा, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 14.99 न्यूटन हो रहा है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होता है, क्यों, क्योंकि बॉडी को किस कंडीशन पे रखना है, रेस्ट कंडीशन पे रखना है। ये देखिए इसीलिए मैंने इसका सेकंड पॉइंट डाला है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होता है। और तीसरा पॉइंट हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रफ सरफेस होता है, इसे तीसरा पॉइंट मैंने ये चीज लिख रखा था। ओके तो पहले ये तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं समझ में आए, चलिए अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू की, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की। चलिए मान लीजिए सपोज दैट मैंने अब यही सी ब्लॉक पे 14.99 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
14.99 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अगर मान लीजिए 14.99 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया और बॉडी का अगर क्या कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करता, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करता, तो मैं देखता कि बॉडी बॉडी में का अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग, नॉर्मली एक्शन डाउन डायरेक्शन में वेट लग रहा है, तो मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में कम्प्लीटली बैलेंस है, इसलिए क्या कहते हैं एन इज इक्वल टू एम जी हो जाता है, उसकी बात तो हटा ही दीजिए। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स 14.9 न्यूटन लगाया, अब बॉडी अभी भी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, मतलब अभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा स्टैटिक नेचर लग रहा होगा और इक्वल एंड अपोजिट इक्वल अमाउंट का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब मैंने 14.99 न्यूटन किया। ठीक है, तो ये देखिए 14.9 न्यूटन लगाया तो बॉडी किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन में है, बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है और अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मैंने इसकी वैल्यू और बढ़ाया और लगाया कितना, 15 न्यूटन का मैंने, 15 न्यूटन का, चलिए 15 न्यूटन का मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जैसे ही मैंने 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाया, बॉडी किस कंडीशन पहुंच गई, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग करे, मेरे बात को समझिएगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मान लीजिए 15 न्यूटन का फोर्स लगाया है, सपोज दैट ये जो ये ब्लैक कलर का मार्क है, 15 ये 15 न्यूटन से ज़्यादा अमाउंट का फोर्स है को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर का मार्कर है ये 15 न्यूटन से कम अमाउंट का फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए ये 15 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, 15 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी अभी भी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे, बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, है ना, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ, और रेस्ट कंडीशन पे है तो साथ ही साथ 15 न्यूटन जब आप फिक्स जब 15 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी किस कंडीशन में, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन, तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन मतलब उसका आप मीनिंग समझिए। तो जब मैं 15 न्यूटन का फोर्स लगाया मतलब बॉडी में अभी कोई मोशन तो स्टार्ट नहीं हुआ, पर ये थ्रेशोल्ड ऑफ मोशन पे है, थ्रेशोल्ड ऑफ रेस्ट कंडीशन, मतलब अगर हल्का भी मैंने अगर इसमें 15 न्यूटन से ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगा दिया तो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मोशन करना शुरू कर देगी, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना हो के कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। मतलब अगर मान लीजिए 15 न्यूटन है तो अभी बॉडी किस कंडीशन में, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हल्का भी तुमने थोड़ा भी इसका अमाउंट बढ़ाया, मतलब 15.001 न्यूटन कर दिया या 15.002 न्यूटन या 16 न्यूटन कर दिया या 18 न्यूटन कर दिया, मतलब अगर तुमने एफ एक्सटर्नल इससे बढ़ा दिया 15 न्यूटन से बढ़ा दिया एक्सटर्नल 15 न्यूटन से तुमने बढ़ा दिया तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में नहीं होगी, बॉडी किस कंडीशन पहुंच जाएगी, स्लाइडिंग कंडीशन पहुंच जाएगी, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कैसा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये देखिए आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये देखिए 15.001 न्यूटन में लगाया था, बॉडी कैसे मोशन स्लाइडिंग मोशन करने लगी, बॉडी में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो देखिए 15 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन, मतलब बॉडी में मोशन शुरू हो जाएगा अगर मान लो हल्का भी फोर्स मैंने इसका बढ़ा दिया। तो चलिए मान लो 14.99 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 14.99 न्यूटन लगा रहा हूँ तो बॉडी कंप्लीटली किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन पे। ये देखिए 14.99 कंडीशन, बॉडी किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, और ये फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कितने अमाउंट लग रहा है, 14.99 न्यूटन का मैंने लगाया 15 न्यूटन, बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन, मतलब स्लाइडिंग शुरू नहीं हुई है, पर अगर हल्का भी अगर इसका अमाउंट बढ़ा दिया तो इसमें स्लाइडिंग कंडीशन 100% जनरेट हो जाएगी, इसलिए हमने बोला ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन। ठीक है, उस समय जो इस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्यों, क्योंकि बॉडी अभी भी किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है ना, परंतु उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू, उसी को देखिए, और किसके अमाउंट बराबर होगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। तो देखिए ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन में जो एफ एस मैक्स होगा या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगा या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। ये देखिए ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन, पहले भी इक्वल था पर अब अगर पहले भी इक्वल था अभी भी देखिए इक्वल है, क्यों, क्योंकि बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन में क्या है कि अगर हल्का भी एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई बढ़ा दिया ना तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी, तब वो रेस्ट कंडीशन पे नहीं रहेगी। अच्छा एफ एस मैक्स क्यों बोले, देखो ये बहुत समझना जरूरी है कि एफ एस मैक्स ही क्यों बोले, क्योंकि देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रफ सरफेस होता है, ये यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रफ सरफेस होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रफ सरफेस होता है, मतलब रफ सरफेस मैक्सिमम इतने अमाउंट का मतलब कि प्रॉपर्टी रफ सरफेस, मतलब इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ रफ सरफेस पे, नेचर ऑफ रफ सरफेस पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो ये रफ सरफेस है, मतलब ये जो मेरा हैंड है इस ब्लॉक पे मैक्सिमम इतने अमाउंट का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है, इससे ज़्यादा अमाउंट का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब इससे क्या हुआ कि बॉडी जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, पर इसके मतलब क्या हुआ कि जब तक बॉडी स्लाइडिंग कंडीशन तब तक नहीं करेगी जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए। देखिए वही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, स्लाइडिंग मोशन ऑफ द बॉडी प्रिवेंट्स मतलब नहीं होगा टिल द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज टू इट्स मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू। ये देखिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, ओके। क्यों ये मतलब कि एफ एस मैक्स इतना ही प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हर क्या कहते हैं रफ सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि अभी अगले हम लोग लेक्चर में देखेंगे, मतलब कि जब हम लोग निकालेंगे एफ एस मैक्स का न्यूमेरिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उसके अनुसार हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ समझ में आए कि नहीं समझ में? जैसे ही हमने क्या मतलब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये बॉडी है मास एम का है, तो डाउनवर्ड दिशा में वेट लग जाएगा, अपवर्ड दिशा में नॉर्मल एस लग जाएगा। ये आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया बॉडी किस कंडीशन में, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन में। इसका मतलब है कि अगर 15 न्यूटन से हल्का भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया तो बॉडी क्या करने लगेगी, स्लाइड करने लगेगी। और देखिए 15 न्यूटन से मैंने ये 15 न्यूटन लगाया बॉडी किस कंडीशन में, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन में। अभी बॉडी रेस्ट कंडीशन में, पर हल्का भी आपने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा बढ़ाया तो बॉडी क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगी। चलिए देखिए मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 15 जगह 15.0001 न्यूटन कर दिया, बॉडी देखिए क्या करने लगी, स्लाइड करने लगी। बॉडी स्लाइड करने लगी नहीं करनी, और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और उस समय जो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि देखिए रफ सरफेस इस बॉडी पे मैक्सिमम इतने ही अमाउंट का ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है। और जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचती है, तब तक बॉडी किस कंडीशन पे होगी, रेस्ट कंडीशन पे होगी। और वही मैंने ये टेबल में ड्रा किया है, ये पूरा टेबल वही चीज़ को मैंने ड्रा किया है, और ये इसका जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया हुआ है। चलिए देखिए अब मैं इसका एक थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ, इसी को थोड़ा ग्राफ वाइज समझाता हूँ। तो आप देखिए इसी को ग्राफ वाइज समझिए, इसका ग्राफ समझ लीजिए, क्योंकि वही ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। इधर साइड में ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, इस साइड ये टाइम है, एक्सिस है, ये फ्रिक्शन फोर्स की एक्सिस है। चलिए मैंने टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगाया था, है ना, तो देखो पहले स्टार्टिंग में 0 न्यूटन था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगा था, 0 न्यूटन था, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेगा। मैंने क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, तो देखिए जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब देखिए बढ़ रही है, 4 न्यूटन लगाया तो अपने आपको 4 न्यूटन कर लिया, 8 न्यूटन को भी 8 न्यूटन का, तो देखिए जिस ये लीनियर जाएगा ऐसे, ठीक है, क्यों लीनियर जाएगा, क्योंकि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उतने अमाउंट का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी हो जा रहा है और कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो जा रहा है ना। तो ये चलिए हो गया, यहाँ पे बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है, एफ एस मैक्स है, इस समय जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एफ स्टैटिक के बराबर हो रहा है, और इस समय तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और यहाँ से बॉडी क्या कहते हैं, काइनेटिक कंडीशन पहुँच जाती है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ से आगे मैं समझाऊंगा लॉज ऑफ मोशन के, लॉज ऑफ वो फ्रिक्शन
के अनुसार कि एफ काइनेटिक जो होता है वो हमेशा एफ एस मैक्स से क्या होगा, कम होगा। ओके, ये ग्राफिकल है, इसका ये इसका ग्राफ है। आगे अगली वीडियो में मैं और अच्छे से ग्राफ को डिफाइन करूँगा और लार्ज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।